हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी साइट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे अपने आधार डेटा को अपडेट कर पाएंगे। दोस्तों, आधार कार्ड की ये भी लेटेस्ट अपडेट आई है जिससे आप खुद घर बैठे अपने आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस में कोई मिस्टेक है तो आप घर बैठे ही उसको अपडेट कर पाएंगे। कैसे इसको अपडेट कर पाएंगे, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर एक वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आधार डेटा अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप गूगल क्रोम से जाना चाहते हैं तो आपको सिंपली टाइप करना होगा UIDAI। आप गूगल क्रोम में टाइप कीजिए और एंटर क्लिक कीजिए। एंटर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगी। इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे माई आधार का मेन्यू सेक्शन में एक सेक्शन मिलेगा, उस पर जैसे आप अपने माउस को स्क्रॉल करते हैं वहाँ पे आपका एक बड़ा सा मेन्यू ओपन होके आ जाता है। इस मेन्यू सेक्शन में अपडेट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो अपडेट डेमोग्राफिक डेटा का ऑप्शन दिया जा रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिख जाएंगे कि क्या क्या डिटेल आप अपडेट कर पाएंगे। जैसा आप इस समय देख रहे हैं पेज में क्या दिख रहा है, जैसा कि आप पेज में इस समय देख रहे होंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और लैंग्वेज। अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी के अलावा कुछ और है तो वो आप चेंज कर पाएंगे। इसके लिए आपको इस पेज पे आना होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको जाना होगा प्रोसीड के ऑप्शन पे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड होने से पहले आपको एक चीज देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन आधार अपडेट। इसका मतलब हुआ कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मैंडेटरी है इस कंडीशन में। अगर आप इस फीचर का लाभ उठाना चाहते हैं तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो OTP उस पे जाएगी उसी के थ्रू आप लॉगिन करके अपना डेटा अपडेट कर पाएंगे। दोस्तों, सिंपली आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू अपडेट आधार पे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपका एक नया पेज ओपन होके आ जाता है। आपको सिंपली यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको जो कैप्चा शो हो रहा होगा उसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजी जाएगी। उस OTP नंबर को आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद जैसे ही सिंपली आप ओके करेंगे, प्रेस करेंगे ओके के लिए, आपका एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डेटा आप अपडेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं लैंग्वेज, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, इतने डेटा हैं जो आप घर बैठे अपडेट कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें से जो भी आपको डेटा अपडेट करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि कौन से डेटा कितनी बार आप अपडेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आप जिस डेटा को अपडेट कर रहे हैं उसको ध्यान से अपडेट कीजिए, क्योंकि उस पर कुछ लिमिट है, उसको कुछ लिमिटेड टाइम तक ही आप अपडेट कर पाएंगे। जैसे नाम अपना 3 बार आप अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ 1 बार, जेंडर 1 बार, मोबाइल नंबर, लैंग्वेज और ईमेल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो जो डेटा हमें अपडेट करना है। मान लीजिए हमें नेम और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 बार नेम चेंज कर सकते हैं और डेट 1 बार। तो इस पे सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि पूरा दे दिया गया है कि आप क्या चीज कितनी बार चेंज कर सकते हैं। ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका एक बार गलत हो गया दोबारा तो कुछ डेटा ऐसे हैं जैसे कि जेंडर आप दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। आपका नया पेज ओपन होगा, इस पेज पे आपको जाना होगा, आपको डिटेल देना होगा जो जो आपको चेंज करना है। जैसे आपका नाम है, अगर आपका नाम जो भी है आप एंटर करेंगे उसका हिंदी आपके सामने आ जाएगा। अगर हिंदी सही से नहीं आता है तो आप कुछ इनपुट टूल की मदद से यहाँ पे सही हिंदी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि एड्रेस प्रूफ हो सकता है, आइडेंटिटी प्रूफ होगा, वो सारे लिए जाएंगे। लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से वैलिड आइडेंटिटी कार्ड या फिर वैलिड प्रूफ दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं जिसमें से आपको कोई एक अपलोड करना है। इनमें से कोई भी आपको एक सेलेक्ट करना है। सपोज हम पैन कार्ड ले लेते हैं, आपको पैन कार्ड का एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जिसकी मैक्सिमम साइज 2 MB होनी चाहिए। फॉर्मेट आपके JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक पैन कार्ड अपलोड कर दिया। आप यहाँ से रिमूव करके दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अपलोड करने के बाद सिंपली आप अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है जो आपको अपडेट करना है।
अगर आपका पहला जो देखिए यहाँ पे डेटा बर्थ शो हो रहा है, ऊपर आपने क्या डाल रखा है, नया आप डेटा बर्थ डालिए जो आपको नया अपडेट करना है। यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, इसके लिए भी कोई आईडी प्रूफ जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे, या फिर क्लास 10th का आप सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं, हम यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं पैन कार्ड को और अपलोड कर देते हैं। इसकी भी साइज मैक्सिमम 2 MB होनी चाहिए, या JPG और PNG फॉर्मेट में सपोर्टेबल होगा, या फिर PDF फॉर्मेट में। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं आपका एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पे सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पे कैप्चा फिल करें और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद एक फिर से दोबारा OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगी और उस OTP को आपको एंटर करना होगा। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे कंफर्म करते हैं, आई हियर बाई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, आपको इसको कन्फर्म करना होगा। कन्फर्म करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा आपको, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं पे करने के। आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करके पे कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग पे क्लिक कीजिए, या फिर अगर नहीं है तो आप डेबिट कार्ड से भी अपने पे कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV और जो नाम है उसको भरूंगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, उस OTP को फिल करना होगा। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके अकाउंट से ₹50 का जो सिंपल सा छोटा सा चार्ज है आपसे ले लिया जाएगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट दे दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद अगर आप अपने आधार का अपडेट स्टेटस देखना चाहते हैं तो कुछ दिनों बाद आप सिंपली चेक अपडेट स्टेटस पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल करके सिंपली सेम प्रोसेस से लॉग इन करके OTP वगैरह एंटर करके चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कुछ अपडेट हुआ कि नहीं। जैसे ही आपका आधार अपडेट हो जाता है आपको एक मोबाइल में नोटिफिकेशन मोबाइल में मैसेज के थ्रू या फिर आपके मेल ID पर मैसेज के थ्रू दे दिया जाएगा कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड को। अगर आप देखना चाहते हैं कि आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है तो इसके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।